देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें ये बात तो माननी पड़ेगी कि उसका घर है, वो जो चाहे कह सकती है। लेकिन इतनी बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए थी ना उन्हें, आखिर इस घर में वही मुझे लाई थी। देखो वही तुम्हें लेकर आई थी, लेकिन जिस तरह वो तुम्हें लेकर आई थी उस तरह वो तुम्हें घर से जाने को भी तो कह सकती है ना। मुझे समझाते क्यों नहीं हो? है ना, मैं कैसे समझाऊं, वो मुझे भी घर से निकाल देगी। हाँ तो अच्छा है ना, हम साथ रहेंगे। देखो अभी ये सब छोड़ो, मुझे बताओ राफे का क्या करना है। ये राफे कहाँ से बीच में आ गया? भाई अब आ गया है बीच में, और बहुत जान के साथ आया है, सबको बोलता फिर रहा है मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हिना से करूंगा, और सब सिर्फ तुम्हारा कसूर है। मेरा तो और किसका? हाँ किसने बोला था जाके अपना जादू चला? चले सो रहा हूँ यार मैं। सच्ची? नहीं झूठ बोल रहा, मुझे लगता है तुम्हें उसके पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहिए। क्यों? बस मुझे सही नहीं लग रहा। क्या सही नहीं लग रहा आरुष? भाई यही खामखा उसके पेरेंट्स को भी पसंद आ गई तो क्या होगा? मुझे नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ तुमने इनकार कर दिया। नहीं तुम राफे को बोलो कि मैं मिलना चाहती हूँ। है ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं भी देखना चाहती हूँ कि लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। है ना, देखो मेरी बात सुनो। नहीं मुझे नहीं सुनना, तुम राफे को बोलो कि वो अपने पेरेंट्स को ले आए। ठीक है मैं कह देता हूँ जैसे कि दानिश भाई से बात करें। नहीं तुम करो ना। मैं करूँ? हाँ तुम राफे को बोलो कि हिना मान गई, कहोगे ना? वो मान गई? ओह माय गॉड, थैंक यू फॉर हैंडलिंग एवरीथिंग। वो सब छोड़े मुझे बताएं बेबी के नाम क्या सोचा? अभी नहीं सोचा। अभी तक नहीं सोचा? अरे भाई अब सोचना चाहिए, चलें साथ मिलके सोचते हैं। हाँ अभी से तुम यहाँ इस वक्त? आपको एक बात बतानी है आरिश, उनेजा के शोहर फारिस का कत्ल। क्या? क्या कहा तुमने? सही कहा मैंने।